गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षक प्रश्न पोषण के प्रकार, यानी कि शिक्षक हमें कौन कौन से प्रश्न पोषण प्रदान करते हैं। ये प्रश्न पोषण मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रश्न पोषण जो होता है वो हमारा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारी अधिगम प्रक्रिया में और सुधार करते हैं, या हम कहें उसे हम प्रभावी बनाते हैं। यानी कि यह हमारे अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री होती है, या कहें कि हमारी सहायता प्रदान करते हैं कि हमें किस तरीके से हमारी अधिगम प्रक्रिया को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि प्रश्न पोषण देते समय शिक्षक को एक आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक अपने छात्र की जहां बड़ाई करते हैं वहां वो छात्र में पाई जाने वाली कमी का भी वो वर्णन करते हैं। तो जब विद्यार्थियों की कमी शिक्षक बताते हैं तो वहां कई बार ऐसा होता है कि छात्र शिक्षक को अपनी ये कहे कि उनको व्यक्तिगत तौर पर ये कह देते हैं कि शिक्षक हमारे लिए सही शब्दों का प्रयोग या नहीं करते हैं, या उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें कमी निकाल रहे हैं। तो ये उस टाइम उन्हें उस समय शिक्षक को आलोचना का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा एक मानव स्वभाव होता है। जब हमारे अंदर कोई कमी निकालता है तो सामने वाला व्यक्ति हमें बहुत बुरा लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी आलोचना, यानी कि हम उसके अंदर कमी ढूंढते हैं। लेकिन जो हम कहते हैं हमारा प्रश्न पोषण है, वो हमारी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमारी सहायता प्रदान करते हैं कि हमें किस तरीके से प्रश्न पोषण को, जो हमारा अधिगम को है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो कहते हैं छात्र के द्वारा जब प्रस्तुतिकरण के बाद में शिक्षक जो प्रश्न पोषण देते हैं या प्रश्न पोषण प्रदान किया जाता है, वो प्रश्न पोषण हम यहाँ देखते हैं कि वो प्रश्न पोषण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि शिक्षक के द्वारा हमें प्रश्न पोषण दो प्रकारों से मिलता है। पहला हमारा मौखिक और दूसरा लिखित प्रश्न पोषण। तीसरा हमारा जो प्रश्न पोषण है उसे हम एक सांकेतिक भाषा का, जिसमें हम प्रयोग करते हैं, उसका वर्णन है, लेकिन वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण ना होगा। इसके जो मेन दो भागों में हमने इसका विभाजन किया है, मौखिक और हमारा लिखित। कहते हैं प्रश्न पोषण की प्रक्रिया जो करते हैं हमारे वर्तमान समय में हमारे सबसे अधिक हमें प्रभावी रूप में देखी जाती है। पहले जहां कहते शिक्षक जब प्रधान था, जब पहले की हमारी शिक्षा थी जिसमें शिक्षक प्रधान था, उस टाइम पे तो शिक्षक अपने कहते ना कि शिक्षक हमेशा खुद को सर्वोपरि मानते थे, तो वहां पर हम शिक्षक के अंदर तो छात्र कमी निकाल ही नहीं सकते थे। वहां केवल शिक्षक एक आदेश के रूप में थे, आदेश देते थे। यहाँ जो हमारा स्वरूप बदला हमारी शिक्षा का, और शिक्षा का स्वरूप बदलते ही हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन आया, और शिक्षक प्रक्रिया में जब परिवर्तन आया तो छात्रों के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उस प्रस्तुतिकरण का शिक्षक किस रूप में उसका वर्णन करे, उसके लिए हमें जो वर्णन हम करते हैं उसकी सहायता के लिए ये प्रश्न पोषण एक महत्वपूर्ण सहायक बन गए कि इनके द्वारा शिक्षक क्या कर सकते हैं, जो छात्रों ने जो प्रस्तुतिकरण किया है उसका वो वर्णन आसानी से कर सकते हैं। और ये प्रश्न पोषणों के प्रकारों का विभाजन कर दिया गया कि मौखिक और लिखित। हम देखें कि मौखिक प्रश्न पोषण क्या होता है, जो शिक्षक के द्वारा बच्चों को, छात्रों को बोलकर बताया जाता है, उन्हें बोलकर दिया जाता है, वो हमारा मौखिक प्रश्न पोषण होता है। अर्थात मौखिक रूप से जो प्रस्तुत करते हैं शिक्षक, वो हमारा ओरल, जिसे हम कहें कि ओरल, मुंह से बोलकर जो छात्रों को बताते हैं कि उनका किया हुआ कार्य कितना सही है, कहाँ तक अच्छा है, या उसके अंदर क्या कमी है। और लिखित प्रश्न पोषण पर क्या होता है,
एक्सपोजर में होता है, जहां शिक्षक छात्र को लिखकर बताते हैं कि उनके अंदर क्या कमी। हम देखते हैं कि कई बार शिक्षक हमारी जब कॉपी चेक करते हैं तो उसके अंदर हमारा गोला लगाते हैं और नीचे हमारे फीडबैक में लिखते हैं कि अशुद्धियों पर ध्यान दें। तो ये कौन सा हो गया हमारा लिखित प्रश्न क्वेश्चन। अगर वही शिक्षक उसको चेक करने के बाद बच्चों को बोलकर कहे कि आपने अशुद्ध लिखा है, इसको सही करो, तो वो हमारा मौखिक प्रश्न क्वेश्चन हुआ। तो कहते हैं हमारे दो प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन हैं और हम जानते हैं कि हमारा जो प्रश्न क्वेश्चन होते हैं मौखिक या लिखित जो भी दोनों प्रकार के हैं उनके अंदर हम जानते हैं कि कहीं उनके अंदर कुछ गुण भी पाए जाते हैं और कुछ उनके अंदर दोष भी पाए जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर या प्रत्येक कार्य के अंदर गुण भी होते हैं तो उसके साथ उसके अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। तो इस वीडियो में हम जो प्रश्न क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उन दोनों प्रश्न क्वेश्चनों में हम इनके गुण भी और इनके दोष भी, यानी उनकी जो हम पढ़ेंगे उनके डिमेट्रिक्स और मैट्रिक्स दोनों हम इसमें पढ़ेंगे कि उसमें क्या गुण है और क्या कमी है। तो सबसे पहले जहाँ दो प्रकार है प्रश्न क्वेश्चन के, इसमें हम सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न क्वेश्चन, और लिखित प्रश्न क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न क्वेश्चन है इसमें मौखिक प्रश्न क्वेश्चन, जो मैंने बताया कि मौखिक प्रश्न क्वेश्चन जो हमारे शिक्षक हमारे मुंह से बोलकर हमें जो व्यक्त करते हैं वो हमारा मौखिक प्रश्न क्वेश्चन होता है। इसीलिए सबसे पहले हम इसके जो गुण है मैट्रिक्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मौखिक प्रश्न क्वेश्चन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अधिगमकर्ता को उत्साहित करने के लिए। जब छात्र अपना जो अधिगम प्रक्रिया करते हैं उसके अंदर शिक्षक बीच बीच में अधिगमकर्ता को उत्साहित करने के लिए उसके जो प्रस्तुतिकरण करते हैं उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसके अंदर उसको प्रभावी बनाते हैं कि किस वो जो बीच बीच में हमें उत्साह बढ़ाने के लिए अधिगमकर्ता को यानी कि सीखने वाले छात्रों की जब वो शिक्षण प्रक्रिया चलती है तो बीच बीच में शिक्षक उसमें उत्साह वर्जन करने के लिए कि बच्चे उसमें और इंटरेस्ट लें, उत्साह जागृत हो, इसके लिए वो बीच बीच में हमें बोलकर ये क्या करते हैं हमें फीडबैक देते हैं। यानी कि हम कहें कि सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये एक स्वाभाविक रूप होता है जिसमें शिक्षक बीच बीच में अधिगमकर्ता को यानी कि छात्र को उत्साहित करते हैं जिससे बच्चा आसानी से समझे और उसको समझने के लिए उसमें उत्साह की कमी ना हो, उसे इंटरेस्ट के द्वारा बच्चा समझे। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा अधिगमकर्ता को उत्साहित करने के लिए, यानी कि हम जिस सीखने की प्रक्रिया को हम सरल और स्वाभाविक रूप में संपन्न की जाती है उसके लिए अधिगमकर्ता को उत्साहित करना आवश्यक होता है। तो ये मौखिक प्रश्न क्वेश्चन अधिगमकर्ता में उत्साह का वर्जन करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर हम लिखित प्रश्न क्वेश्चन देते हैं तो हम तो लिखित तो बाद में देते हैं लेकिन उस प्रक्रिया को साथ साथ संपन्न जब हम कर रहे हैं उस टाइम हम बच्चे के अंदर किस तरीके से उत्साह वर्जन करेंगे उस समय एक प्रेजेंट अगर तुरंत प्रभाव से हमें जो उत्साह जागृत करना होता है उसके लिए हमारा मौखिक प्रश्न क्वेश्चन सबसे प्रभावी होता है। क्योंकि वो तुरंत हम उसी समय बच्चों को देते हैं। फिर है हमारा सेकंड अधिगम प्रक्रिया में गति का विकास, यानी कि जो बच्चों को हम सिखाते हैं मौखिक प्रश्न क्वेश्चन में जहाँ शिक्षक के द्वारा जब ये आवश्यकता और अनुभव किया जाता है कि इसमें अधिगम प्रक्रिया में जो गति का विकास करना है यानी कि उस कार्य व्यवहार को प्रभावी बनाते हुए हमें आगे बढ़ाना है अर्थात उसको गति प्रदान करनी है तो हमें मौखिक प्रश्न क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको गति प्रदान करने के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए या हम कहें उसे और अच्छा उसके अंदर विकास करने के लिए हमें इस प्रक्रिया
हमें प्रश्न क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर जो कमी होती है, हम जो गलती करते हैं, वो गलती उसी समय हमें शिक्षक हमारी गलती पर भी टोकते हैं, और अगर हम सही कर रहे हैं तो वो हमारा उत्साह भी करते हैं। इसीलिए ये दोनों हमारे विकास की देन, हमारे किसी भी कार्य को विकास का रूप प्रदान करने में होती है, कि अगर हमारे अंदर कमी है और शिक्षक ने हमें टोका तो हम उस गलती को छोड़ देते हैं, और हम जो कार्य कर रहे हैं अगर उसके अंदर हम वो कार्य सही और अच्छा और प्रभावी कर रहे हैं तो शिक्षक हमें क्या करेंगे, उत्साह करेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो हम उसके अंदर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें किसी कार्य में गति प्रदान करवानी है, उस अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, तो हमें प्रवोकिक प्रश्न पोषण का सहारा लेना पड़ता है। थर्ड है हमारा अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि, यानी कि किस तरीके से निरंतर उसमें वृद्धि से वृद्धि हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वृद्धि, उसको किस तरीके से हम उसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें है कि अद्वोखी जो प्रश्न पोषण प्रक्रिया में अधिगम करता प्रश्न पोषण का जो तुरंत प्रभाव होता है, वे कार्य को प्रभावी रूप से अधिगम स्तर को उत्तरोत्तर में जो वृद्धि होती है उसके लिए सहायक होता है। यानी कि हम जब बच्चों को उसी समय हम जब प्रश्न पोषण देते हैं तो उनके जो सीखने का स्तर होता है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। बच्चों को जब शिक्षक सिखाते हैं, कुछ बच्चों से पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर हमें देते हैं, तो इसके लिए हमने देखा है कि इससे क्या होता है, बच्चों के जो सीखने की प्रवृत्ति है निरंतर उसमें और ज्यादा वृद्धि होती रहती है। यानी कि बच्चा और ज्यादा चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें, तो इसीलिए उसमें आगे से आगे उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि। फोर्थ है हमारा उत्साह व मनोयोग का प्रदर्शन। मैंने पहले भी कहा था कि अधिगम कर्ता को उत्साहित करने के लिए होता है, यहाँ पर कहते हैं कि उत्साह के साथ साथ मनोयोग का प्रदर्शन भी बच्चे करते हैं, अर्थात जो उनको मन को अच्छा लगता है। यानी कि उत्साह अगर बच्चों में बढ़ता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने मन से उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और मन के द्वारा वो उसे शिक्षक से पूछते हैं, या हम कहें कि उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की वो सोचते हैं। तो उनका जो उत्साह है उसमें किसका प्रदर्शन दिखाई देता है हमें, मनोयोग का, यानी उनकी स्वयं की इच्छा। उसमें हम ये नहीं देख सकते कि बच्चों का उस क्रिया में पार्टिसिपेट करना मजबूरी है, वहाँ मजबूरी नहीं होगी, वहाँ छात्र की स्वयं की इच्छा होगी कि वो उससे में उत्साह जहाँ हमें दिखाई देगा तो हम उत्साह से समझेंगे कि बच्चे के अंदर अगर उत्साह जागृत है तो वो अपनी मन की इच्छा से उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो हमारा प्रश्न पोषण होता है जब हम मौखिक रूप से देते हैं बच्चों को, उसी समय हम देते हैं तो बच्चों के अंदर वो उत्साह जागृत करता है और उनकी जो मन की इच्छा है वो भी जागृत होती है, जिसके द्वारा बच्चे अपने मनोयोग के द्वारा, अपने मन की इच्छा की इच्छा के द्वारा वो उस कार्य में भाग लेना शुरू करते हैं और अच्छे से अच्छा अपने मन की इच्छा के आधार पर वो प्रदर्शन करते हैं। फिर है हमारा व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता के आधार पर। हमने देखा प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यता भिन्न होती है, तो यहाँ कहते हैं कि भिन्न भिन्न योग्यता और क्षमता के आधार पर जब छात्र ग्रहण करते हैं और उसका प्रदर्शन भी वो अपनी क्षमता के आधार पर करते हैं, तो हम उसी के आधार पर उन्हें प्रश्न पोषण भी देते हैं कि बच्चों की उस कैपेसिटी को देखते हुए, उस क्षमता को देखते हुए हम वहाँ पर प्रश्न पोषण देते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा प्रश्न पोषण होता है, जो पृथक पृथक उनकी जो योग्यताएं हैं या उनकी मानसिक, उनकी शारीरिक, उनकी संवेदनात्मक, इन सभी योग्यताओं को हम देखते हुए उनका और उनकी क्षमता को देखते हुए हम उसको बच्चों को फीडबैक देते हैं, जिससे कि बच्चे के
संकेत विभिन्न शब्दों का इनको प्रयोग करते हैं। हम कहें कि संकेत में शिक्षक कहेगा बहुत अच्छा, या हम कहें कि वो उनको एक शाबाशी देंगे, यानी कि इस चीज के अंदर वो अपने भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करेंगे, यानी कि शिक्षक की अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षक को उस समय क्या सही लगेगा या उस समय उनकी मानसिक योग्यता क्या कहेगी, इसी के आधार पर वो छात्र को अपना क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। विभिन्न विभिन्न जैसे व्यक्तिगत के आधार पर कोई शिक्षक संकेत के माध्यम से दे और कोई शिक्षक अपने शब्दों के माध्यम से। तो ये मौखिक प्रश्न पोषण तुरंत उस समय जो हम प्रदान करते हैं उसके लिए हमारे बहुत लाभदायक होता है। फिर है हमारा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त। हमने देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए हम कहें, अगर इसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टू फिफ्थ छोटे बच्चे जो होते हैं प्राथमिक स्तर के, उन बच्चों को जब वो कार्य करते हैं तो हम उन कार्यों के लिए उन्हें जब शब्दों का उनके लिए प्रयोग करते हैं, उनको प्रश्न पोषण हम देते हैं, तो बच्चों का इसके लिए बहुत ज्यादा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बालक को अगर उसके कार्य के लिए हमें प्रोत्साहन देना है तो छोटे बच्चों को कहते हैं फीडबैक का जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है फीडबैक, वो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए होता है। क्योंकि बच्चे उसे जितना ज्यादा हो बच्चे उससे अपने कार्य में निखार पैदा करते हैं, बच्चे उसमें अपने कार्य करने की इच्छा जागृत करते हैं। तो जब हम प्राथमिक स्तर के आधार पर हम देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर के लिए हम जो प्रश्न पोषण देते हैं वो अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि छात्रों के जो व्यवहार होता है प्राथमिक स्तर के बच्चों का, उनके कार्य का व्यवहार होता है, वो ये चाहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रदान हो। चाहे हम देखें कि छोटे बच्चे को हम, अगर बच्चा अच्छा लिख रहा है, अगर हमने उसको एक पेंसिल भी उसके प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए दे दिया तो बच्चा उस कार्य को और अच्छे से करेगा। यानी कि छोटे बच्चों के लिए ये मौखिक प्रश्न पोषण बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। फिर है आत्मविश्वास में वृद्धि। यानी जब मौखिक प्रश्न पोषण हम देते हैं उससे छात्र के अंदर जो अधिगम करता है उनके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यानी कि हम, क्योंकि हम तुरंत उस फीडबैक को देते हैं मौखिक, तो बच्चे के अंदर ये आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अर्थात जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसके प्रति उनको और विश्वास उनका जागृत हो जाता है, अपनी आत्मा से उसके अंदर विश्वास जागृत हो जाता है। तो हमारा जो फीडबैक है, हमारा मौखिक फीडबैक, वो हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। फिर लास्ट है हमारा दिशा निर्देश के रूप में। जो मौखिक प्रश्न पोषण है उसे हम एक दिशा निर्देशक के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा जिस समय जो कार्य करता है हम उसी समय उसे वो फीडबैक देकर ये बता देते हैं कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, अर्थात हमें उसका मार्ग सही है या गलत है इसके लिए हम उसे तुरंत बता देते हैं। तो ये हमारे लिए दिशा निर्देश के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि जिस रास्ते जा रहे हैं उसका निर्देश हमें दे दिया गया वो फीडबैक के द्वारा कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए सही है। अब ये हमने जहाँ गुण देखे हैं, अब इसके अंदर कहते हैं ना, हर किसी के अंदर गुण के साथ दोष भी छिपे हुए होते हैं, या हम कहें कि कमी भी होती है। तो इसमें जो कमी है वो मैं हम बता रहे हैं। सबसे पहले है लघु समय की प्रक्रिया। फीडबैक, मौखिक फीडबैक के लिए कहते हैं कि ये हमारी एक दीर्घ समय तक छात्र से याद नहीं रखते हैं ज्यादा समय तक, तो ये बहुत कम समय के लिए हम कहें कि एक लघु प्रक्रिया होती है। जहां हमने देखा है कि जो ये प्रक्रिया होती है लिखित वाली, वो बच्चों के ऊपर पास एक प्रमाणिक रूप में मौजूद रहती है, लेकिन जो बच्चों को बोल के बताया जाता है वो बच्चे कुछ समय के बाद में उसे भूल जाते हैं, या हम देखें कि कुछ ज्यादा समय हो जाने के बाद में बच्चों की मानसिक स्मृति स्तर से ये खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये एक लघु प्रक्रिया होती है, ये एक दीर्घकालिक नहीं
होती। सेकंड है छात्र तक सीमित। हम देखते हैं कि हम लिखित में जो बच्चों के लिए प्रश्न क्वेश्चन लिख के भेजते हैं, अभिभावक को जब शिक्षक कोई भी फीडबैक या कहें उसके अंदर कमी होती है या अच्छाई होती है हम उसकी कार्य करते हैं, तो हम एक नोटिस बनाकर अगर उसे छात्र को लिखित रूप में देते हैं तो वो हम ये कहते हैं कि इसमें अभिभावक के साइन होने चाहिए। तो वो जो संदेश हम देना चाह रहे हैं तो वो संदेश अभिभावक तक भी पहुंचता है, लेकिन ये क्या होता है इसका एक सीमित रहता है, यहाँ सिर्फ वो छात्र तक ही रहता है कि शिक्षक ने क्या कहा और छात्र ने क्या सुना। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक ने छात्र को जो बोला है उसके लिए अभिभावकों को पता ही नहीं रहता कि बच्चों को क्या बोला गया है। तो यानी जो फीडबैक होता है मौखिक फीडबैक वो केवल छात्र और शिक्षक तक ही सीमित रहता है। लक्ष्य है इसमें कोई प्रमाण नहीं, जो मैंने ऊपर भी बताया था कि ये प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम लिखित रूप में नहीं देंगे तो वो प्रमाणित नहीं होगा। हम जहाँ बोलकर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसका तो महत्व कुछ समय तक ही रहता है, तो ये प्रमाण नहीं होता है। अगर हमसे कोई प्रमाण मांगे इसका कि हमने क्या बोला था बच्चों के लिए, तो उस समय ना तो शिक्षक के पास कोई प्रमाण होगा और ना छात्र के पास प्रमाण होगा। तो ये प्रश्न क्वेश्चन एक तरीके से हमें हमारे लिए प्रमाणिकता की कमी करते हैं। फिर है असावधानी से संपन्न। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक अपने जब बोलते हैं तो अपने शब्दों का प्रयोग कई बार असावधानी से कर जाते हैं, यानी कि उन्हें जो शब्द बोलने चाहिए उन शब्दों का वो सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमारी जो भाषा शैली है उसे हमें जब भी छात्रों के लिए प्रयोग में ले तो कई बार छात्र जो शिक्षक है उनसे ये गलती हो जाती है कि वो सही भाषा शैली का या सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ हमारी असावधानी से संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया की श्रेणी में भी ये मौखिक प्रश्न क्वेश्चन आ जाता है। फिर है पूर्वाग्रह के आधार पर टिप्पणी। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक बच्चों को बोलते हैं तो वो जो उनके पूर्व के व्यवहार होते हैं उसके आधार पर उनको टिप्पणी कर जाते हैं। तो शिक्षक जब मौखिक प्रश्न क्वेश्चन देता है तो कई बार वो पूर्वाग्रसित हो जाता है, यानी कि पूर्व में छात्र ने क्या व्यवहार किया था इसी के आधार पर वो फीडबैक दे जाते हैं। तो ये भी हमारा आज का मौखिक प्रश्न क्वेश्चन, यानी कि मैंने बताया था आपको कि शिक्षक प्रश्न क्वेश्चन के प्रकार, यानी कि जो हमें शिक्षक के द्वारा जो प्रश्न क्वेश्चन मिलते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, जो मैंने आज आपको वीडियो में पढ़ाया कि दो प्रकार है मौखिक और लिखित, और मौखिक प्रश्न क्वेश्चन का हमने इस वीडियो में वर्णन किया है और लिखित प्रश्न क्वेश्चन का हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।